गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, आप कैसे हैं बेटा? हमने एक्सरसाइज 14.3 कर रही थी, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.4। तो सब बच्चे अपनी बुक और नोटबुक खोलेंगे। डेट है 18, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका है मैथ्स एंड एक्सरसाइज 14.4। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करें, 2 मिनट्स है आपके पास। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लिया। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम बुक में से देखेंगे 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट यस और नो टू। सबसे पहले आप बुक में से देखिए, क्वेश्चन 1 उतारेंगे। सब बच्चे ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 1, राइट यस और नो, हाँ और ना में आंसर दे रहे हैं। टू इंडिकेट वेदर द हाईलाइटेड प्लेस इज कटिंग the solid into two identical half or not, two identical half or not। तो फर्स्ट है आपका, आपने अच्छे से पहले क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो इसके नीचे हमने क्या बना दिए, बॉक्सेस, आपने उसमें लिखना है यस और नो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, देन उसके आंसर्स देंगे हम। लास्ट है आपका एफ पार्ट, क्या पार्ट है, एफ पार्ट बनाइए इसको, पहले ड्रॉ करिए।
क्वेश्चन समझिए। अब पहले सबसे पहले आपने इसको ड्रॉ करना आना चाहिए, ड्रॉ करने के बाद इसको समझें। कहते राइट यस और नो, आपने हाँ और ना में उत्तर देना है। टू इंडिकेट वेदर द हाईलाइटेड प्लेन, जो हाईलाइटेड इन्होंने रेड कलर से कर रखा है, इज कटिंग द सॉलिड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स और नॉट, कि ये सॉलिड जो भी चीज़ें बनाई हैं उनको हाफ कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर वन क्या करना है, ड्रॉ करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है, पेंसिल से नहीं, ओनली पेंसिल से ड्रॉ करना है इन योर नोटबुक, देन उसके आंसर्स को करना है। तो ये अच्छे से आपने क्या करना है, इसको पहले ड्रॉ केयरफुली इन योर नोटबुक, फिर आपने बताना है ये इसको हाफ कर रहा है या नहीं। तो पहला देखिए, अगर ये हाफ कर रहा होता तो इसमें लाइन इसकी बीच में से आनी चाहिए थी, इसने इसको नीचे से सर्कल किया है, तो ये क्या आ जाएगा, नो। पहले में क्या आएगा, नो। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, पहले में क्या आएगा, नो। दिस इज योर आंसर। आप देखिए ये आपका सर्कल, इसने इसको बीच में से हाफ किया है, तो ये क्या आ जाएगा, यस। इसी प्रकार आपने यस और नो में क्या देना है, आंसर्स। सब बच्चे ध्यान से करेंगे, 2 मिनट्स है आपके पास। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, 2 मिनट्स है आपके पास। सबसे पहले आप लिखे आपने क्या किया, ओके स्टूडेंट्स, यू हैव 2 मिनट्स। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसको हेडिंग लिखनी है, राइट यस और नो टू इंडिकेट वेदर द हाइलाइटेड प्लेन इज कटिंग द सॉलिड इनटू द टू आइडेंटिकल हाफ और नॉट, देन आपने इसको ड्रॉ करना है। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट में आपका नो है, बी में आपका देखिए इन्होंने अच्छे से किया हुआ है, सी में भी इन्होंने गलत तरीके से किया हुआ है, तो क्या आएगा इसमें, सॉरी नो, और डी में क्या आएगा, यस। डी में क्या आएगा, यस। सी में क्या आएगा, नो। डी में क्या आएगा, यस। सब बच्चे अच्छे से ड्रॉ करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट इज ई, ई में क्या आएगा, यस, और एफ में क्या आएगा, नो। ई में आएगा यस और एफ में आएगा नो, क्योंकि ये बहुत नीचे है। तो इस प्रकार आपने इसके क्या आंसर देने हैं, नो यस, नो यस, यस नो। ए पार्ट नो है, सी पार्ट नो है और एफ पार्ट नो है, ओके स्टूडेंट्स। बी डी ई, इसमें क्या आंसर है आपके, यस, ओके स्टूडेंट्स। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सब बच्चे अपने अपनी बुक में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी बुक में दिखाती हूँ। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मैंने आपको बताया था हाफ है इसका, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे जो आपको पिक्चर्स दिए हैं आप इसकी फोटो स्टेट करवा के कट करके आंसर्स दे सकते हैं या इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले ड्रॉ करेंगे, फिर आपने क्या करना है इसमें बताना है ये सिमेट्रिकल है या नहीं, ओके स्टूडेंट।
सब बच्चों का क्वेश्चन नंबर वन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ड्रॉ। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर टू देखिए, सबसे पहले हेडिंग के साथ लिखेंगे इसको हम। हेडिंग बहुत जरूरी है बेटा, हर क्वेश्चन को हेडिंग के साथ ही रिवाइज किया करो। काम भेजा जाता है तो आप उसको अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल। विच ऑफ द सॉलिड्स आर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल। ओके स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल। तो पहले हम बनाएंगे इसको, पहले हम ड्रॉ करते हैं। आपको तो अच्छे से ड्रॉइंग आती है, आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं या फोटो स्टेट कर सकते हैं। ये हमारा क्या बन गया, अनानास। क्या बन गया, ये हमारा अनानास। ओके स्टूडेंट्स, आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ओके, अब है आपका बी पार्ट। ये आपने एक टेबल बनानी है, तो आपने इसके लिए आंसर्स किसमें देने हैं, यस और नो में। बी पार्ट है आपका, एक बुक बनी हुई है, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। हमें आपका डी पर ड्रॉ केयरफुली फ्रॉम द लेफ्ट होल। ड्रॉ केयरफुली फ्रॉम द लेफ्ट होल। एफ पार्ट है आपका, एक पेन बनाओ में। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ड्रॉ करा। आप इसकी फोटो स्टेट करवा के कट करके भी चिपका सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स, सॉलिड्स बनी हुई चीज़ें जिसे ठोस कहते हैं, जो अपनी जगह से नहीं हिलती, आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है या नहीं आपको इसी बारे में बताना है। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है थोड़ा सा, अब आपने इसके यस और नो में आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले क्या बना हुआ, अनानास। कहते हैं क्या हम इसको सिमेट्रिकल कर सकते हैं, सिमेट्रिकल मीन्स उसका हाफ कर सकते हैं, यस। बी एक टेबल बनी हुई है, वो पूछ रहे हैं इस टेबल का हाफ हो सकता है, यस। सी है आपकी बुक, बुक का भी हाफ हो सकता है, यस। नेक्स्ट है आपका डी, टी बना हुआ है एक तरह से, इसका भी हम कर सकते हैं हाफ, वेरी गुड। ई, ई का कप का हम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पकड़ने की स्टैंड है उसका हाफ नहीं हो पाता। ओके स्टूडेंट, तो ई में क्या आ जाएगा, नो। नेक्स्ट है आपका एफ, एफ है आपका पेन, पेन का भी हाफ हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको सिमेट्रिकल करके दिखा सकते हैं। सॉरी।
स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल बताना है। तो फर्स्ट है आपका अनानास, इसके में आएगा यस, बी में भी आएगा यस, सी में भी आएगा यस, डी में भी आएगा यस, ई में आएगा नो, एफ में आएगा यस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, इसको आंसर्स देंगे। सब बच्चों ने ड्रॉ कर लिया केयरफुली, आप इसके आंसर्स देंगे यस और नो में। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। तो सबसे पहले देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, हाफ इसका हम इसको हाफ इस प्रकार कर सकते हैं, आप डॉटेड लाइन से इसको हाफ कर सकते हैं। जो हमारी ये टेबल बनी है इसका हम हाफ ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि दो इसके पाँव इधर आ गए, दो इधर आ गए, बीच का हिस्सा भी हो गया। बुक आपकी क्लोज है, आप इसका हाफ ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे हो जाएगा या आप ऐसे हाफ हो जाएगा, और इसका भी हाफ ऐसे हो सकता है। देखिए पेन है आपका, इसका हाफ ऐसे हो सकता है। कप का हाफ देखिए किसी के एंगल से निर्भर, अगर हम इसको ऐसे हाफ करते हैं ये तो हो गया, लेकिन इसका इस पॉइंट का हाफ नहीं होगा, इसलिए ये नो में आंसर है। इसलिए इसका क्या आंसर आएगा, नो। आप देखिए टी है, टी का हम कैसे कर सकते हैं, हाफ ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आधा पोर्शन इधर के सेम, मतलब सिमेट्रिकल मीन्स होता है कि दोनों पोर्शन का जो हाफ हो, जब भी उसका हाफ करें वो इक्वल हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो आपका क्या आएगा ए में यस, बी में भी क्या आएगा यस, सी में भी क्या आएगा यस, एफ में भी क्या आएगा यस, कप में क्या आएगा आपका जो बनाया नो, इसमें भी क्या आएगा यस। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें ऑनली यस और नो में आंसर्स देने थे कि इसमें से जो सॉलिड से चीज़ें हैं इसका सिमेट्री हो सकता है क्या नहीं। तो 2 मिनट से आपके पास, सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। घर पर बैठ कर भी पढ़ें बेटा, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, घर पर बैठ कर भी पढ़ें। तो ये आपने सॉलिड बनाने हैं या आपने इसको फोटोस्टेट करवा के कट करके चिपकाने हैं। प्रैक्टिस को साथ साथ करके चलें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहना है, मम्मी पापा का कहना मानना है। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन पे पूछ सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.4, ड्रॉ केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।